कॉमेडियन पप्पू पम्पम लगातार चर्चा में आते रहते हैं। देखा जाता है कि ये कॉमेडियन लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे लोग ज्यादातर हंसते हैं, लेकिन इस बार इस कॉमेडियन ने एक ऐसी हरकत करी जिससे सब लोगों को गुस्सा आ गया है। पप्पू पम्पम ने अब की बार रानू मंडल को लेके हरकत करी जिससे अब लोगों में गुस्सा आ गया है। अपनी आगामी फिल्म पोस्ट मिस्टर कन्हैया के पोस्टर को लेकर विवादों में घिरे पप्पू रानू मंडल का गाना गाते हुए नकल करने को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए। ये वीडियो में पप्पू साड़ी पहनकर रानू के गेटअप धारण किया हुआ है। वो ठीक उसी तरह गाना गाने की एक्टिंग कर रहे हैं जैसे रानू हिमेश के गाना गाते हुए दिख रही हैं। पप्पू ऐसी हरकत करते देख लोग उन्हें काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। पप्पू की इस हरकत से सोशल एडवर्टाइजिंग लिंकन सुबुद्दी ने लिखा है कि मुझे नहीं पता था कि और ना ही मुझे लगता है कि पप्पू भाई के दिमाग को डॉक्टर की आवश्यकता है। मैं उनसे जल्द से जल्द डॉक्टर के दिमाग की मदद लेने का आग्रह करता हूं। वहीं फिल्म समीक्षक दिलीप हाली ने पप्पू की मिमिक्री की आलोचना की और कहा, ऐसे समय में जब पूरे देश को लोग रानू मंडल की प्रसिद्धि का स्वागत कर रहे हैं, गायक पर पप्पू की एक्टिंग निंदनीय है। एक असली सेलिब्रिटी कभी किसी का उपन्यास करने की कोशिश नहीं करता। अगर पप्पू को लगता है कि उनकी मिमिक्री की गई हरकतें मजाकियां हैं तो वास्तव में वो गलत हैं। बता दें कि रानू हिमेश के साथ गाते हुए वायरल वीडियो के बाद कई टिकटॉक यूजर उनकी नकल करते दिखे। लोग काफ़ी मात्रा में रानू के गेटअप में गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मालूम हो कि रानू रानाघाट पर गाना गाकर उनके एवज में मिले खाने पीने या पैसे से अपना गुजारा करती थी। अतेंद्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था जिसके बाद से वो इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई हैं। इसी बीच उनका हिमेश रेशमिया के साथ तेरी मेरी कहानी सॉन्ग काफ़ी छाया हुआ है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या रानू मंडल की इस तरह की नकल करना कहाँ तक सही है? आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दुनिया और देश भर की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको हमारे शोज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। सो कीप वॉचिंग।